सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। बेहतर यही होगा कि आप कोशिश करें, शायद इसमें आप नाकाम हो जाएं और उससे कुछ सीखें, बजाय इसके कि आप कुछ करें ही नहीं। यदि आप अपनी वास्तविक क्षमताओं को परखना चाहते हैं तो जिंदगी में रिस्क लेना शुरू कर दो। आज का पंचांग 4 अगस्त 2022 दिन गुरुवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 5:06 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र शाम 6:46 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:10 से 3:48 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 6:40 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। आप सभी को तुलसीदास जयंती की शुभकामनाएं। वृश्चिक राशि 4 अगस्त 2022 दिन गुरुवार, कार्यस्थल पर कोई आपके खिलाफ चुपचाप काम कर रहा है, लेकिन आज आपको इस बात का पक्का सबूत मिलने वाला है कि वह कौन है। लेकिन अभी इस आदमी से ना उलझें। आपको केवल यह पता चल जाने से भी काफी मदद मिलेगी कि आपके खिलाफ कौन काम कर रहा है और आप अपने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब रहेंगी। आज पारिवारिक लोगों के साथ शॉपिंग जैसे कार्यों में बेहतरीन समय व्यतीत होगा। आप पारिवारिक व्यवस्था को भी उत्तम बनाए रखने में आपका प्रयास कामयाब रहेगा। घर में किसी अविवाहित सदस्य के लिए विवाह संबंधित रिश्ता आ सकता है। उदासीनता की वजह से किसी भी काम को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा। जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखें, हाथ में लिया गया काम पूरा करने की कोशिश करें। अपनी भावनात्मक बातों को काम के बीच ना आने दें। अपने अनुभव का उपयोग करने का मौका आज मिल सकता है। पार्टनर की किस बात से आप खुद को छोटा महसूस करते हैं, इस बात का अवलोकन करने की आवश्यकता है, तभी रिलेशनशिप में संतुलन बनेगा। बालों से संबंधित समस्या बढ़ सकती है। सावधानियां, इस समय सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधियों में खुद को दूर रखें। पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार की अनबन अथवा झगड़े जैसी स्थिति बन रही है। संतान से संबंधित कार्य में भी व्यस्तता रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सदस्यों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान और सामंजस्य रहेगा। सबका मिलजुल कर काम करने से आपसे प्यार भी बढ़ेगा। इस समय आपको अपने परिवार से वित्तीय मांगों की सूची मिल सकती है। यह आपके परिवार के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है और आपको उन्हें पूरा करना होगा। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये आपको अत्यधिक लगे लेकिन ये वास्तव में उचित है। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि आप सभी की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम हैं और ये चीज आपके रिश्ते को और गहरा करेगी। बात करते हैं करियर की। आप समय के महत्व को जानते हैं और आप आज नए लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। आप सही रास्ते पर हैं। कड़ी मेहनत करें, सफलता आपसे दूर नहीं है। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है और इसीलिए आप व्यापार और शेयरों में कुछ जोखिम ले सकती हैं। आय के नए अवसर आज दिखाई दे सकती हैं। आगे जाने से पहले अपने शुभचिंतकों से परामर्श करें। आज व्यक्तिगत कार्यों की वजह से अपने बिजनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन चिंता ना करें, फिर भी काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। ऑफिस में पेपर वर्क करते समय कोई गलती हो सकती है जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ेगी, ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत की। कुछ चोट वगैरह लगने की स्थिति बन रही है, ध्यान रखें। ऑफिस में बढ़ते तनाव से आप काफी परेशान भी हैं और यह परेशानी आज आपके शरीर में दर्द और खिंचाव तथा बेचैनी के रूप में प्रकट होगी।
ऑफिस के इस दबाव को कम करने के लिए आपको खुद को अधिक व्यवस्थित करना होगा। दूषित जंक फूड खाने से समस्या कम नहीं हो जाएगी। फिलहाल आराम के लिए ध्यान करें या मसाज के अपॉइंटमेंट लें। आज का उपाय, आज आप लक्ष्मी नारायण जी को लड्डू का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।